हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 19 की, जो कि 18 अगस्त के लिए जारी की गई क्लास 9th की साइंस सब्जेक्ट रिलेटिव वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और वी कैन से दैट वी मे कंटिन्यू अवर चैप्टर, प्रीवियस चैप्टर विच वी आर स्टडिंग, दैट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इन प्रीवियस वर्कशीट वी हैव स्टडीड दैट द सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी मोर अबाउट इट। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की वर्कशीट में आपके लिए क्या खास है और आज की वर्कशीट आपको क्या बताना चाहती है। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिजम्स की, तो ऑर्गेनिज्म मे बी ऑफ टू टाइप्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स। इट मे बी यूनिसेलुलर और इट मे बी मल्टीसेलुलर, बट द बेसिक प्रोसेस सच एज ग्रोथ, एक्सक्रीट, नीड टू ऑफ फूड, इनहेल, एक्सहेल फॉर एस्पिरेशन एटसेट्रा आर सेम, बिकॉज दीज आर नोन एज द बेसिक नेसेसरी एक्टिविटीज फॉर लाइफ। बच्चों, और ये हर किसी सेल में या ऑर्गेनिज्म में होती है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, मल्टी सेलुलर हो। अब ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ सच एक्टिविटीज द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस आर नीडेड, यानी कि इस तरह की एक्टिविटीज जब होती हैं तो उनमें सब्सटेंस का चेंज का एक्सचेंज का जरूरत होती है कई बार। तो उसमें एक स्पेशल कंपोनेंट होते हैं सेल्स में, दीज आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स, एंड एवरी सेल ऑर्गेनेल हैज़ टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। इनके बारे में बच्चों आप पिछली क्लासेस में कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो थोड़ी सी बातों का ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज़न मत कीजिएगा। जब हम बात करते हैं सेल और सेल ऑर्गेनेल्स की, तो ये डिफरेंट फंक्शंस को करती हैं। अब बात आती है सेल को डिवाइड करने की, तो हम पूरे के पूरे सेल को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, वन वाज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अनदर वाज न्यूक्लियस, एंड थर्ड वन वाज साइटोप्लाज्म। तो ये कैसे हो सकता है, जरा देख लीजिए एक बार। इट वाज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन द सेंटर इट वाज न्यूक्लियस, एंड द मिडिल वन वाज साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये यानी कि ये हो गया क्या, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, न्यूक्लियस बीच का पार्ट, सेंट्रल पार्ट जो है, और ये साइटोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस वाला जो पार्ट है उसी में क्रोमोसोम वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं। आज बच्चों हम पढ़ रहे हैं अब इस वर्कशीट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, इट वॉज द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, द मेम्ब्रेन अलाउज टू एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ओनली सम स्पेसिफिक मटेरियल बेस्ड ऑन सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि इसमें एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है, जिस वजह से ये सिर्फ और सिर्फ कुछ ही सब्सटेंसेस को अलाउ करती है अंदर और बाहर जाने के लिए, वो भी बेस्ड ऑन नेसेसिटी। ये कैसे हो सकते हैं बच्चों, O2, CO2, न्यूट्रेंट और वाटर कंटेंट की एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस प्रोसेस। तो बच्चों, ये मूवमेंट किसके हिसाब से होता है, और डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस प्रोसेस की वजह से ही होता है। डिफ्यूज़न मेनली क्या है कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। बच्चों, अब एक प्लांट में एक प्लाज्मोलिसिस नाम का एक प्रोसेस होता है छोटा सा, उसे समझ लीजिए। प्लाज्मोलिसिस में होता क्या है, क्योंकि प्लांट सेल में सेल वाल एक एडिशनल पार्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अलग, तो जब प्लांट में लॉस होता है वाटर का, तो वो क्या होता है, ऑस्मोसिस की वजह से इट विल गेट श्रिंक्ड, यानी कि वो बिल्कुल जस्ट श्रिंक हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। बच्चों, अब डिफ्यूजन जो वाटर का होता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, वो ऑस्मोसिस प्रोसेस से होता है, और बेस्ड ऑन इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन सेल, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, दैट इज हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक। सॉरी बच्चों, वापस देख लेते हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक क्या है, द सॉल्यूशन दैट हैव मोर वाटर देन सेल, यानी कि सॉल्यूशन में ज़्यादा पानी है इन कंपेरिजन टू सेल, तो स्वेल क्या होगा, स्वेल कर जाएगा, जैसे कि किशमिश वगैरह में होता है। बच्चों, आइसोटोनिक में बहुत हैव सेम कंसंट्रेशन, तो देर इज नो चेंज इन शेप।
हाइपरटोनिक में क्या होगा बच्चों, हाइपरटोनिक में सॉल्यूशन हैव लेस वाटर देन सेल, तो सेल विल श्रिंक डिक्रीज इन साइज ड्यू टू एक्सोओस्मोसिस, इसे कहते हैं एक्सोओस्मोसिस। ठीक है बच्चों, इसी वजह से ये इस तरह की चीज़ें होती हैं बच्चों। अब बच्चों ज़रा देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन की बारे में देख लेते हैं बच्चों। इट इज़ आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम नेसेसरी मेटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल कंटेन, सेल ओनली अलाउ सर्टेन मेटेरियल्स दैट कैन पास थ्रू इट, इट ड्यू टू विच इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। बच्चों इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन नंबर वन का आंसर है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं। अगला एक्सप्लेन प्लाज्मोलाइसिस विद ए डायग्राम, तो आपको ये वाला पूरा का पूरा लिखना है और ये डायग्राम बनाना है बच्चों, ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर टू का। क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कहता है, विच पार्ट ऑफ सेल इज परमेबल, तो सेल वाल जो पार्ट है या प्लाज्मा सॉरी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वाल प्लांट सेल में होती है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही परमेबल पार्ट है सेल का बच्चों। फिर है व्हाट चेंजेस विल अकर इन ए रेजिन एंड आरबीसी व्हेन दे आर प्लेस इनसाइड ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड व्हाई, तो इनमें क्या होगा बच्चों, इनमें मेनली ये क्या होगा, हाइपोटोनिक जब सॉल्यूशन होगा तो सेल स्वेल यानी कि ये फूल जाएंगे बच्चों, तो यही चीज इसमें होगी। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।